जब मैं मरू तो रात के अंधेरे में मरू, जब मैं मरू तो मेरा जनाजा रात की तन्हाई में हो, जब मुझे दुनिया में किसी ने न देखा, मुझे रात को मरते मेरे मरते वक्त मेरे जनाजे पे कोई कोई न देखे, आप अंदाजा लगाए वो फातिमा सहरा, अगर कल मैदान महशर में उस फातिमा ने हमारी माओ बहनों बच्चों का गिरेबान पकड़ लिया, ए नबी की मानने वाली हो, ए मेरी कड़ी से कहलाने वाली हो, मैं तो इतनी बाहया औरत थी, आपने दुनिया में रहकर कौन सा पर्दा इख्तियार किया है, आपने दुनिया में रहकर माइकल जैक्सन को राजी किया है, हमने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया, नबी की सीरत और सूरत को छोड़ दिया, मेरे प्यारो हमें नबी का होना पड़ेगा, हमें नबी का गुलाम बनना पड़ेगा, हमें नबी का चाहने वाला बनना पड़ेगा, अगर दुनिया में रहना है नबी का होके रहना पड़ेगा। अगर ये दुनिया की माँ बाहया होती है तो कसम खुदा की माँ फातिमा तो सहरा जैसी नेक हो तो बेटा हुसैन आजम पैदा होता है, जब माँ नेक होती है तो बेटा हुसैन आजम बनता है, जब माँ नेक होती है तो बाप बेटा जनाबे वाला कोई आम नहीं बनता, यानी इस हिंदुस्तान का राजा अजमेर का ख्वाजा बन के चमकता है, जब माँ नेक होती है तो बेटा साबिर पिया अलाउद्दीन कलियरी बन के चमकता है, जब माँ नेक होती है बाप नेक है ये बच्चा फिर आवारा नहीं बनता, बच्चा जनाबे वाला दुनिया का बदकार इंसान नहीं बनता, वो नबी का दीवाना बनता है, क्योंकि जब वो दूध पीता है माँ का तो उसे गाने नहीं सुनाए जाते, उसे दुनिया की बातें नहीं सुनाई जाती, उसे दरूद पढ़ पढ़ के सुनाया जाता है, कुरान पढ़ पढ़ के उठाया जाता है, और दुरूद पाक की वजीफे कर करके अपनी माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है वो बच्चा जब बड़ा होके चमकता है तो कोई बच्चा तो माँ के पेट में 14 पारी का हाफिज कुरान बनता है, वो बच्चा कोई आम नहीं होता, वो वक्त का राजा महाराजा बनता है। आप अंदाजा लगाइए कि जितने भी औलियाए किराम हैं, जब इनकी हिस्ट्री को पढ़ के देखेंगे, आप इनकी सुहानी जिंदगी पलट कर देखेंगे तो इनके पीछे इनके माँ बाप की आपको नेकी नजर आएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा, जो बच्चा नेक नहीं होता आप देखते चलिए कि उसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर होता है, आप वालिदैन को पकड़े बात क्या है, और वालिदैन को ये चीज जरूरी है आजकल के दौर में कि अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल ना दो, खास करके आपकी नौजवान बच्चियां हैं इनके हाथ में मोबाइल ना दो, खुदा रहा ये आपका छोटा भाई आपसे हाथ जोड़कर ये भीख मांग रहा है कि आजकल की नौजवान बच्चियों के हाथ में अपनी बेटियों को अपनी माओ बहनों को मोबाइल मत दो, क्योंकि यही मोबाइल आज की एक चीज बन चुकी है जो हमें तबाह बर्बाद कर रही है, जो हमें मट्टी में मिला रही है, जो हमारी इज्जत आसमान से जमीन में खा कर रही है, वो कोई और चीज नहीं है, वो यही बच्चियों के पास मोबाइल है। आप नबी के दीवाने बनो, ऐसे नबी के दीवाने बनो कि खुदा की कसम आपका बच्चा बोले तो नबी नबी, आपकी बेटी बोले तो नबी नबी, आपका बाप बोले तो नबी नबी, आपकी माँ बोले तो नबी नबी, आपकी सुबह बोले तो नबी नबी, आपकी शाम बोले तो नबी नबी, आपका सोना बोले तो नबी नबी, आपका चलना बोले तो नबी नबी, आप जब खाओ तो आपका खाना बोले नबी नबी, आप जब पियो तो आपका पीना बोले नबी नबी, आप जब मुस्कुराओ तो आपकी मुस्कान बोले नबी नबी, आप जब रो तो आपके हर हर रोने के कतरे आंसू में नबी नबी की सदाएं आनी चाहिए। मेरे नबी के ऐसे दीवाने बनो कि आप जब चलो तो आपकी रफ्तार बोले नबी नबी, आप जब बोलो तो आपकी गुफ्तार बोले नबी नबी। आप मेरे भाइयों ऐसे नबी के दीवाने बन जाओ, खुदा की कसम जब तुम रास्ते चलो तो तुम्हें दुनिया देखकर ये कहे कि रास्ते चलने वाला कोई आम नहीं है, नबी का वफादार जा रहा है, और मरने के बाद जब तुम कब्र में पहुंचो तो लकीरें कहें जन्नत का हकदार।